हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं शोभा रघुवंशी मेरे चैनल हेल्दी इंडियन फूड में आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं मटर पनीर। तो मटर पनीर बनाने के लिए मैंने एक भगोनी में एक गिलास पानी डाला, उसमें हरे मटर डाल दिए। अब मटर को गैस पर थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए रख दिया है। एक गैस पर हमारा मटर बॉईल हो रहा है, जब तक एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, इनको रफली चॉप कर लिया है और इनमें आधा गिलास पानी डालेंगे। 2-3 मिनट तक टमाटर को गैस पर बॉईल होने देते हैं। जब तक हमारे मटर टमाटर बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैंने 3 से 4 कली लहसुन की काट ली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा सा काट लिया है और 2 से 3 हरे मिर्च काट लिए हैं। इनको मिक्सर जार में डालकर इनका पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट बन गया है और ये हमारे टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इनको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मटर भी सॉफ्ट हो गया है, इसको भी छलनी में निकाल कर, इनका पानी निकाल करके इनको भी रख लेते हैं। जब तक हमारे टमाटर ठंडे हो रहे हैं, मैंने 200 ग्राम पनीर के क्यूब्स कर लिए हैं और 1 बड़ा प्याज मोटा स्लाइस उसके कर लिए हैं, मोटे मोटे स्लाइस कर लिए हैं। अब ये जो पनीर क्यूब्स हैं, इनमें 1/4 चम्मच से भी कम हल्दी इस तरह से इनके ऊपर में लपेट देते हैं अच्छे से, हल्दी की अच्छे से पनीर के ऊपर कोटिंग हो जाए। अब मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और 1 चम्मच इसमें, इस चम्मच से 1 चम्मच हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हल्का गर्म। अब इसमें ये प्याज की स्लाइस डाल दूंगी और इनको लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। प्याज को हम, ये जो टमाटर ठंडे होने रखे थे हमने, इनमें ही मिला देते हैं। ये देखिए, अभी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल बचा है, तो लगे हाथ हम इसमें पनीर क्यूब्स भी डालकर इनको भी रोस्ट कर ही लेते हैं। ये देखिए, पनीर क्यूब्स मेरे लाइट ब्राउन हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं। कर इनका पेस्ट तैयार करूंगी, टमाटर और प्याज दोनों को मिलाकर। ये देखिए, मैंने प्याज टमाटर दोनों को मिक्सर जार में डाल लिया है। अब इनका मैं पेस्ट तैयार करती हूँ। ये देखिए, मेरा प्याज टमाटर का पेस्ट तैयार हो गया है। चलिए अब तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और मसालों में मैंने लिया है 2 छोटे चम्मच खोया मावा, इसको कद्दूकस कर लिया है मैंने, 2 छोटे चम्मच ताजी मलाई, 1/4 चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग, 1 चम्मच मैंने मटर पनीर मसाला लिया है, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सेंधा नमक है, स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और मैंने ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये लिया है। चलिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को हल्का गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरे को लाइट ब्राउन होने तक सेकते हैं।
जीरा हमारा सिक गया है, अब इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे और इनको लाइट ब्राउन होने तक सेकेंगे। पेस्ट हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें डालूंगी सूखा धनिया पाउडर और गरम मसाला। गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अब डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, फिर सेकेंगे। फिर डालेंगे इसमें पनीर मसाला, मटर पनीर मसाला। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब डालेंगे इसमें खोया, खोए को मिक्स करेंगे। खोए की लम्स ना पड़ जाए इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इनको चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हम प्याज टमाटर का मसाला, जो पेस्ट बनाया था उसको डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी लग रही है तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम ज्यादा। ये मैंने पानी डाल दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर करेंगे और इसमें एक उबाल आने देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे एक पिंच हींग, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम फ्रेश मलाई, मलाई को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर डालेंगे। लगातार चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप, केचप को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए ग्रेवी में हल्का सा बॉईल आ गया है, अब इसमें पनीर क्यूब्स डाल दूंगी। इनको मिक्स करेंगे। अब ये जो मटर लिया था मैंने, हल्का सा बॉईल किया था, इसको मैंने निकाल कर ठंडे पानी में रख दिया था। इसको आप या तो इसमें आइस डाल के रखें या ठंडे पानी में डालें। यदि सूखा रखेंगे तो ये हमारा मटर जो है वह काला पड़ जाता है, ठंडे पानी में डालने से ही हरा बना रहता है। अब इसका पानी निकालूंगी और इसको भी इसमें ग्रेवी में मिक्स कर दूंगी। ये मटर डाल देती हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और अब इनमें 5 मिनट तक हम अच्छा सा बॉयल आने देते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी में अच्छे बॉयल आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं हर रेसिपी अपने अंदाज में शेयर करती हूँ। मुझे खाना बनाने का 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गए हैं, अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट हमारी मटर पनीर की सब्जी बन करके तैयार है। मटर में पर्याप्त मात्रा में आयरन, जिंक, मैग्नीज और कॉपर मौजूद होता है। हरी मटर में पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पनीर के सेवन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है। पनीर कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, इससे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। पनीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पनीर वजन घटाने में भी मदद करता है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। पनीर में ओमेगा 3 भी पाया जाता है, जो मानसिक विकास में सहायक होता है। पनीर खाने से ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल संतुलित रहता है। तो पनीर बहुत ही हेल्दी होता है। आप भी मटर पनीर बनाइए और खाइए।